हाँ जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुटसाल क्लब पे, और यहाँ पे हमारे जितने बल्तिस्तान हैं, जितने बल्ती बॉयज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक मज़ेदार, एक धमाकेदार मैच दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और बहुत सारे हमारे जितने बल्ती बॉयज़ और प्लस गिलगित बॉयज़ वो सब यहाँ आए हुए हैं, और चेकआउट कर सकते हैं। फुली माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम बल्तिस्तान में आ चुके हैं, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे जितने प्लेयर्स हैं, वो सारे बल्ती हैं। बल्तिस्तान फुटसाल गाले को ऑर्गेनाइज किया है बल्तिस्तान कैपिटल एंड स्कर्दू अंचन वालों ने। और फुटबॉल का ये टूर्नामेंट दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था और मार्च 2023 तक जारी रहेगा। फाइनली बॉयज एंड गर्ल्स मैच शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ 5 मिनट हुआ है और 2 गोल कर दिए हैं ब्लैक वालों ने, और दोनों जो टीम्स हैं वो सिर्फ बल्तिस्तान से है। तो मैच बहुत ख़तरनाक संतरखेज होता जा रहा है, लेट्स एंजॉय। हाँ जी जैन, आप बोले किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गोल ज़्यादा किसका है? गोल ज़्यादा ब्लैक वालों का है, समझो ना आप। अच्छा, ये ब्लैक वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगाली से पूछते हैं, अगाली आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अपने टीम को। अपने टीम? यहाँ तो दोनों अपने टीम है। कौन कौन सा, मतलब ब्लैक या ग्रीन? ग्रीन वाला। ग्रीन वालों को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मैं दोनों को कर रहा हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तमाम बल्तिस्तान कम्युनिटी का, और हमारे स्पॉन्सरशिप जितने भी हमारे बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुखियर हजरात ने, कंपनीज़ ने और कॉन्ट्रैक्टर हजरात ने, और जो बल्कि इवन जो बरून मुल्क हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इस इवेंट को कामयाब करने के लिए बहुत सारे खिदमात उनके हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं। तो ये बल्तिस्तान फुटसाल गाला फॉर द लास्ट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट, और दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक ये इवेंट जारी रहेगा। द पर्पज़ ऑफ दिस इवेंट इज़ टू ब्रिंग हारमोनी बिटवीन ऑल द यूथ्स ऑफ बल्तिस्तान, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है और उनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन गैप को उनको ख़त्म करना है, ताकि वो अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी के साथ इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते रहें, जिससे उनके ना सिर्फ मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बल्कि फ़िज़िकल फिटनेस भी अवेयरनेस होती है। हमारे साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में काचो मिराज समेत बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स का हाथ है, और उन्होंने इन इवेंट को चार चांद लगा दिया। काचो साहब कुछ कहना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो स्पॉन्सर जितने हैं हमारे, उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ गुहार भाई जो है खुद इधर होता है, हम जेनुअनली हमारे पूरी टीम के साथ और पूरे बल्कि जितने भी टीम है, 8 टीम है, उनकी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो है, जो जितने भी हमारे सर्दियों में इधर आता है, उनके लिए हमने रखा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे स्नोकर क्लब्स और चाय, मतलब वैसे ही टाइम ज़ाया करते हैं। सो ये एक फ्रूटफुल और एक्टिविटीज़ है, गैदरिंग भी इसी में हो जाता है, उसी में सब कुछ सीखने को बहुत, क्योंकि सीखने के लिए हमारे ये फुटसाल हमारे उधर नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसको फुटबॉल तो सब खेलते हैं, लेकिन फुटसाल भी थोड़ा बहुत कुछ खेलें और इससे बहुत कुछ सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उन बैड लक लोगों में से एक है जहाँ पर फुटबॉल खेलने के टैलेंट होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में फुटबॉल का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल यहाँ के लोग फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और लोगों के पास टैलेंट भी है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि फुटबॉल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। भाई, इस टूर्नामेंट का मकसद ये था कि जो विंटर्स में हमारे जितने लड़के होते हैं, हमारे जितने बॉयज़ होते हैं स्कर्दू बल्तिस्तान के, तो वो लोग यहाँ पर आके अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो इसी को और एक गोल हो गया, तो इसी सॉल्यूशन के लिए ये टूर्नामेंट निकाला गया है। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।